क्या वो सब यहाँ भी आ रहे हैं? मेरे भाई, मुझे पता था तुम अवश्य आओगे मेरे भाई। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भाई मत कहिए, मैं अब इसका अधिकारी नहीं हूँ भैया। भाभी भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक निर्लज्ज की भांति आपकी शरण में आया हूँ। आप सबकी यह दशा देखने से अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं नहीं देवती, ऐसा ना कहें। उठो लक्ष्मण। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। भैया मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था जो मैंने आपके ऊपर जनहित बाण उठाया। तो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? बाण चला देता मेरा उद्धार हो जाता। मैंने ऐसी कुमाता के गर्भ से जन्म लिया जिस कारण आज सबकी दशा हुई है। भरत तुम तो धर्म के अवतार हो, किंतु मैं अपनी माता के कही के प्रति ऐसे अनुचित शब्द नहीं सुन सकता। भैया मुझे क्षमा कर दो, ऐसी परिस्थिति में मेरी मति मारी गई थी। मुझे क्षमा कर दो, ऐसी परिस्थिति में मेरी मति मारी गई थी। भैया मेरे साथ दवा पे चलो। भरत क्या तुम्हारे साथ पिताश्री और माताएं नहीं आई? भैया हमारे साथ तीनों माताएं, महाराज जनक और महर्षि वशिष्ठ भी आए हैं। भरत क्या पिताश्री नहीं आए? भैया पिताश्री। बोलो भरत क्या हुआ? बोलो पिताश्री नहीं आए, बोलो। भैया आपके वियोग में पिताश्री का देहांत हो गया। क्या? उठो राम। लक्ष्मण माता पितरी के भी पैर छुओ। भैया
सारी अयोध्या नगरी आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको लेने आया हूँ। भैया आप मेरे साथ चलिए और अपना राज्य संभालिए। नहीं भरत मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या वापस नहीं चल सकता। मैं पिताश्री के वचनों से बंधा हुआ हूँ मेरे भाई। मैं तुम्हारे साथ अब अयोध्या वापस नहीं चल सकता। गुरुदेव अब आप ही समझाए भैया को। यहाँ इस सभा में सबसे बड़े और बुद्धिमान महाराजा जनक जी हैं। इन सब बातों का निर्णय हमारे महाराज जी करेंगे। तुम दोनों में महान कौन है इसका फैसला तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्रेम और ममता की सीमा। परंतु इस परिस्थिति में मैं अपना कर्तव्य समझकर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वह जैसा उचित समझे वैसी मुझे प्रेरणा दे। हे राम अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। परंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धर्म का कोई बंधन नहीं। राम भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वह तुम्हारा अनन्य भक्त है। भरत तुम्हारे प्रेम की जीत हुई। परंतु याद रखना प्रेम के भी कुछ नियम होते हैं। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है। और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वह कुछ नहीं मांगता। इसलिए इसमें तुम अपने भाई को क्या दे सकते हो। महाराजा जनक आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने भैया के लिए प्राण भी दे सकता। प्राण तो एक सुच्ची वस्तु है। तुम अपने भाई से पूछो कि वह तुम्हें क्या दे सकते हैं। भैया मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पीछे वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। परंतु मैं पिताश्री के वचनों से बंधा हुआ हूँ। इसलिए उनका वचन भी झूठा न हो मैं 14 वर्ष वनवास के बाद ही यह राज सिंहासन संभालूंगा। तब तक मेरे स्थान पर तुम यह राज सिंहासन संभालोगे। और फिर जब मैं 14 वर्ष वनवास के बाद वापिस लौटूंगा तब मैं तुमसे अपना यह सिंहासन वापिस ले लूंगा। ठीक है भैया, जब तक आप वनवास से वापस नहीं आते तब तक मैं इसे अपना कर्तव्य समझकर आपके राज्य का कामकाज संभालूंगा। परंतु आपको 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगा तो आप मेरा मना तो देखिए। नहीं नहीं मेरे भाई ऐसा मत कहो। 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक नहीं होगा। मैं समय पर ही लौटूंगा। भैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे पगले अब अगर तुम मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं वो भी खुशी खुशी दे दूंगा। भैया मैं आपसे आपकी चरण पादुकाएं मांगता हूँ ताकि मैं आपके सिंहासन पर रख सकूँ। महात्मा भरत तुम धन्य धन्य हो। तुम्हारी सदा जय जय हो।